G1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. G stands for? Generation. What is the difference between six of them? Speed का. Speed of? Internet. यहाँ पे इंटरनेट होता था. In reality, what it stands for basically, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G is a way of communication. इंटरनेट तो बाय प्रोडक्ट है ना हम लोगों का. करना क्या चाहते हैं हम लोग? कम्युनिकेट करना चाहते हैं वर्ल्ड के साथ. उसके बाद बाकी चीजें जो है फिच आउट हो रही हैं बाय डिफॉल्ट. 1G में क्या होता था? 1G 1980s के टाइम पे तो बड़े बड़े फोन आते थे, रिमेम्बर? 2G और 3G में क्या फर्क था? आप लोगों ने देखा है ये दौर. दैट वॉज योर वीडियो कॉल्स. लैपटॉप्स पे आप लोग स्पाइक करके एक एप्लीकेशन होती थी, उसके थ्रू आप वीडियो कॉल्स करते थे. किक स्टार्ट दिया था आपकी वीडियो कॉलिंग को. 4G के साथ हम लोगों का ना LTE जो है ना हमारा सिस्टम शुरू हुआ था. LTE का एक लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन था और इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है. वोल्ट और LTE में क्या है? और वोल्ट क्या है हम लोगों का? दैट इज वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. बेसिकली जो अब हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, पहले तो करते थे एंटीना वाली और हमारे सब कुछ. अब हम लोग ना नेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. जो हमारी नॉर्मल कॉलिंग्स भी होती है ना, दैट इज थ्रू योर वोल्ट. बट 4G में क्या आना शुरू हुआ हम लोगों का? वोल्ट. LTE सिस्टम स्टार्ट हुआ. और वैसे ही हमारा जो 6G है, जिसको हम लोग आगे कल दिन को विजन देखते हैं, दैट इज इन योर 2030s. अब ये 2030 तक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो 6G है ना, वो उससे भी एडवांस होगा. ना आपका इंटरनेट ऑफ द थिंग्स जो चीजें हैं, जैसे कि आप गाड़ी में यहीं पे बैठे हो, आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी नीचे बहुत गर्मी हो रही है तो अभी AC चल पड़े. जस्ट हैव टू इंस्टॉल अ चिप इन योर फोन और उसमें आप सिस्टम लगा दोगे कि ऑटो स्टार्ट हो जाए गाड़ी और AC आपके पहुंचने से पहले आपकी गाड़ी ठंडी हो जाए. इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ना यही है. इवन Alexa, स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑन द लाइट्स, है ना? ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. और ये आगे का भविष्य है.